नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अभी संवैधानिक निकायों के बारे में और इस दौरान हमारा ये जो पांचवा पाठ है जिसमें हम देखेंगे राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, आखिर क्या आवश्यकता है राज्य के महाधिवक्ता में और वो क्या कार्य करता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वैसे भी अगर आपने मेरे इससे पहले वाला पार्ट देखा है जो था भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो लगभग वो सेम ही होता है, तो वहां से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर वह आपको समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए पीएससी अड्डा के साथ। दोस्तों, आपके लिए मैं चंद लाइनें लाया हूं जो आपको मोटिवेट करेगी अपनी तैयारी को बनाए रखने के लिए। कि ये लाइनें क्या है दोस्तों, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ये लाइनें काफी छोटी हैं परंतु काफी बहुत बड़ी बात कह जाती है, इसलिए मैंने ये यहां पर आपको बताया है कि जो मेहनत होती है ना इतनी खामोशी से अपनी करो कि जो कामयाबी होगी वो आपकी शोर मचा देगी। यानी कि जो आप तैयारी में लगे हैं दोस्तों, तो आपकी जो मेहनत होगी ना वो इस प्रकार करो कि किसी को पता ना चले, और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे अपनी परीक्षा के दौरान तो जो आपके परिवारजन होंगे या जो भी आपके जान पहचान वाले होंगे तो वो आपकी कामयाबी से क्या होंगे, प्रसन्न होंगे, और आपकी जो आप एक प्रकार से जितनी भी अपनी जो है वैल्यू जो है क्रिएट कर सकते हैं, अपनी जो है पहचान बना लेंगे। तो दोस्तों, जो आपकी मेहनत होगी वो आप करें खामोशी से ही, परंतु जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी जो कामयाबी होगी वो पूरे एरिया में आपके जितने भी परिवार हैं वहां पर शोर मचा देगी। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेट के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। सर्वप्रथम जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 165 में के अंतर्गत राज्य का महाधिवक्ता जो पद है उसकी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, जो 165 है ये अनुच्छेद भाग 6 में जब जो राज्य सरकार से संबंधित है उससे संबंधित है, और वहां पर इसके महाधिवक्ता जो है पद की व्यवस्था की गई है। अब ये महाधिवक्ता पद की आवश्यकता क्यों, जिस प्रकार हमने देखा जो अटोर्नी जनरल होता है वो केंद्र सरकार यानी जो भारत की गवर्नमेंट होती है उनके लिए वकील के रूप में कार्य करता है, तो उसी प्रकार जितनी भी स्टेट होती हैं भारत में, जितनी भी हमारी स्टेट हैं उनके वकील से संबंधित जो आवश्यकता है वो पूर्ति करने के लिए क्या है, सभी स्टेट को एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करने की पावर दी गई है कि एक महाधिवक्ता होगा, वो भी किसका, तो प्रत्येक राज्य का। ठीक है दोस्तों, फिर जो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार भारत सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो अटोर्नी जनरल होता है, और राज्य में बात करेंगे तो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होगा, वो होगा अधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, तो राज्य सरकार को ये विधि संबंधी सलाह देता है, तो यहां तो आपको सब कुछ अब ठीक ठीक समझ में आएगा अगर आपने महान्यायवादी अच्छे से समझ लिया है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है, और केंद्र में कौन करता है अटोर्नी जनरल की नियुक्ति, तो राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, अब राज्य में बात कर रहे हैं, तो जब नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल कर रहा है तो अधिकार किसको दिया गया है, राज्यपाल द्वारा ही वो उसको हटाया जा सकता है, अतः वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। अब दोस्तों यहां पर क्या आता है कि सामान्यतः जो कार्यकाल और इसका कि वो कितने समय तक जो है अपने पद पर बना रहेगा, इस प्रकार जो हटाने की बात है ना वो संविधान में नहीं बताई गई है, परंतु सामान्यतः क्या होता है कि ये चला आ रहा है कि जब कभी भी मंत्रिपरिषद का, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि जब सरकार गिर जाती है तो सरकार द्वारा ही उसको नियुक्त किया जाता है, तो जैसे ही सरकार किसी भी कारणवश अगर गिर जाती है तो वहां पर उसको त्याग पत्र देना होता है। तो इस प्रकार से यहां पर सिर्फ इतना सा याद रख लिए कि अगर जिस प्रकार अगर मान लो सरकार अगर गिर जाती है तो वहां पर उसे भी त्याग पत्र देना होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारे जिस प्रकार आपको उदाहरण के द्वारा समझने की कि हम देख लेते हैं कि जो हमारा अभी एमपी की गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने अपना महाधिवक्ता नियुक्त किया था जब वह सरकार बनी थी। अब जिस प्रकार जैसे ही सरकार गिर गई एमपी में, तो जो शशांक शेखर थे उनके महाधिवक्ता, उनको त्यागपत्र देना पड़ा, और जब जैसे ही शिवराज सरकार जो है पावर में आई तो उन्होंने अपना महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों ये याद रखिए, जो एमपी में अभी करंट में कौन महाधिवक्ता है, तो वो है पुरुषेंद्र कौरव, या
याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करें कि महाधिवक्ता के वेतन, भत्ते और कार्यकाल आदि चीजें जो हैं राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं और इसके कार्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो कार्यकाल होता है इसका संविधान में नहीं बताया गया कि वो कब तक अपना कार्य करता रहेगा, कब तक वो पद पर बना रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मंत्रिपरिषद होती है अगर किसी कारण वो विघटित हो जाती है तो वहां पर जो नियुक्त होगा महाधिवक्ता उस सरकार द्वारा तो उसे भी त्यागपत्र देना होता है और नई सरकार जैसे ही बनेगी तो नई सरकार अपना महाधिवक्ता नियुक्त कर देते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम कि महाधिवक्ता बनने की यानी कि जो राज्य का महाधिवक्ता होती है उसको बनने की क्या योग्यता होती है। तो जो फर्स्ट तो कि भारत का नागरिक तो वह व्यक्ति होना ही चाहिए और जैसा कि हमने देखा था कि अटोर्नी जनरल में यहां पर जो इम्पोर्टेंट योग्यता है क्या है वो देख लीजिए कि अगर आपको राज्य का महाधिवक्ता बनना है तो किसी भी हाई कोर्ट का जहां पर वो बनेगा उस हाई कोर्ट का वह न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो यानी कि उसे लोक का ज्ञान हो, वो जज बनने की योग्यता रखता हो। और किसी भी हाई कोर्ट का अगर आपको न्यायाधीश बनना है, जज बनना है तो क्या उसके लिए योग्यता होती है। तो दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में या तो 10 वर्ष कार्य कर रखा हो या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वह अधिवक्ता रहा हो यानी कि वह वकील पे के रूप में 10 वर्ष तक किसी स्टेट हाई कोर्ट जो है वहां पर कार्य किया है या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो अन्य न्यायालय होते हैं जैसे कि जिला अदालतें होती हैं उनके अंडर में भी जो अदालतें आती हैं तो अगर वहां पर भी किसी जज के रूप में कार्य किया है 10 साल तक तो उसे किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश बना दिया जा सकता है। तो अगर ये योग्यता रखता है कि किसी हाईकोर्ट का जज वो बन सकता है तब जाके उसे क्या होता है कि राज्य का महाधिवक्ता किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा बना दिया जा सकता है। अब दोस्तों इसके अलावा एक और है कि अगर वो जो बनाया जाएगा राज्य का महाधिवक्ता वह व्यक्ति क्या होगा राज्यपाल के अनुसार जो है विधिक मामलों का ज्ञाता होना चाहिए यानी कि उसे कानून संबंधी जो है विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए, उसे कानून की जानकारी होनी चाहिए राज्यपाल की नजर में। ठीक है दोस्तों ये योग्यताएं होती हैं। इसके अलावा जो है हम देखें कि राज्य का महाधिवक्ता जो है वो कार्य क्या करता है तो जैसे कि वो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है तो वो राज्य के लिए ही कार्य करता है। तो जो राज्य सरकार होती है उसको क्या करता है विधिक मामलों पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा दिए गए हैं। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जैसे ही राज्यपाल ने किसी भी संबंधी अगर कोई भी विषय मान लीजिए राज्य संबंधित या तो सामाजिक हो सकता है, आर्थिक या फिर श्रमिक, किसी प्रकार का स्वास्थ्य, शिक्षा, अगर ये कुछ भी विषय होते हैं तो उससे संबंधित अगर राज्यपाल कहता है तो वहां पर जो कानून संबंधी जो सलाह होती है उस विषय पर तो वो क्या करता है स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा विधिक रूप से ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन जो राज्यपाल द्वारा दिए गए हैं यानी कि जो राज्यपाल बता देंगे उनसे संबंधित जो है कानून संबंधित जो कर्तव्य होंगे उनका भी पालन वो करेगा। इसके अलावा संविधान या अन्य किसी विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना तो जो संविधान में बता दिए गए या फिर अलग से जो कानून बनाकर बता दिए गए कर्तव्य तो उनका भी निर्वहन कौन करेगा राज्य का महाधिवक्ता करेगा। आप बस इतना सा समझ लीजिए कि जब भी कभी अगर भारत की जो गवर्नमेंट है उससे संबंधित कोई कानून की बात आती है तो वहां पर कार्य अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है और अगर किसी स्टेट की बात चलती है तो वहां पर जो राज्य का महाधिवक्ता होगा यानी कि जो एडवोकेट होगा वो कार्य करता है। अब दोस्तों इसके अलावा है मुख्य जो है कि राज्य सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पेश करना यानी कि दोस्तों आप यहां पर इस उदाहरण से ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार अभी MPPSC का जो मामला आया है उसमें MP गवर्नमेंट ने क्या किया 27% OBC का आरक्षण जो बढ़ाया है तो वहां पर जैसे कि राज्य सरकार को अब अपना पक्ष रखना है कहां पर हाईकोर्ट में तो अब वहां पर राज्य सरकार जाएगी तो उसके लिए कौन जाएगा जो उस समय करंट में महाधिवक्ता होगा। तो पहले तो शशांक शेखर थे तो वो जाते अब जब गवर्नमेंट चेंज हो गई है और नए बन गए हैं हमारे महाधिवक्ता MP के पुरुषेंद्र कौरव तो जब कभी भी अब उनका पक्ष रखना होगा हाई कोर्ट की जब भी सुनवाई होगी उस संबंधित यानी कि जो MPPSC का जो आरक्षण बढ़ा है उससे संबंधित जब भी सुनवाई होगी 28 अप्रैल की बात थी अब देखते हैं सुनवाई कब होगी परंतु जब भी सुनवाई होगी हाई कोर्ट में तो कौन जाएंगे जो MP की सरकार का पक्ष रखने तो वो जाएंगे पुरुषेंद्र कौरव हाई कोर्ट में। ठीक है दोस्तों तो यहां पर आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो राज्य सरकार होगी उनकी ओर से मामलों में जो है उच्च न्यायालय में पक्ष रखने का कार्य होता है। अब देखते हैं दोस्तों महाधिवक्ता को क्या पावर है तो जिस प्रकार अटोर्नी जनरल में हमने देखा तो उसी प्रकार जो महाधिवक्ता होगा वो राज्य के लिए कार्य करेगा
तो यहाँ पर महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, यानी कि राज्य क्षेत्र से संबंधित, यानी कि जैसे अगर हम मान रहे हैं कि महाराष्ट्र, एमपी या राजस्थान, तो जो भी स्टेट होगा उसकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी या अधीनस्थ न्यायालय होंगे वहां पर वो सुनवाई का अधिकार रखता है। जो महाधिवक्ता होगा उसको ये अधिकार दिया गया है संविधान में। उसके बाद महाधिवक्ता को विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही में सम्मिलित होने और अपने विचार रखने का अधिकार प्राप्त है, किंतु मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों ये तो मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट है कि महाधिवक्ता जो होगा वो जो स्टेट का विधानमंडल है यानी कि जो कानून बनाने की संस्था है उसमें कार्यवाही में भाग लेता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बिल पे अगर कार्यवाही हो रही है विधानमंडल में, तो वहां पर जब भी चर्चा होगी तो ये जो महाधिवक्ता होंगे राज्य के वो तभी वहां पर सम्मिलित होंगे जब किसी विषय से संबंधित अगर बात आती है कि कानून क्या अपना पक्ष रखना है वहां पर विचार रखने, तभी उसको सम्मिलित होने का अधिकार होता है और वह अपने क्या विचार रखता है उस बिल पर अपने विचार भी प्रकट करता है। परंतु जब उस बिल पर वोटिंग होगी और उस दौरान अगर वह कार्यवाही में भाग ले रहा है तो उसको क्या है उस पर वोट करने का अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों इसे भी हमने अच्छे समझ लिया था। आशा करता हूं कि मैं आपको जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप वहां देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों कि सीमाएं राज्य के महाधिवक्ता की। तो किसी भी मामले में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी व्यक्ति को कोई सलाह नहीं दे सकता। तो स्टेट गवर्नमेंट का वकील है तो अगर अगर हम सलाह मांगेंगे तो वो हमें उनके विरुद्ध कोई भी विशेष संबंधी सलाह नहीं प्रोवाइड करेगा। ये अधिकार उसको नहीं दिया गया है और उसकी लिमिटेशंस बांध दी गई हैं। फिर दोस्तों कि आपराधिक मामलों में बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। वही बात है दोस्तों, अगर किसी भी हत्या कर दी किसी व्यक्ति ने और अगर उसका केस लड़ना है तो वहां पर वो ऐसा नहीं कर सकता बिना राज्य सरकार की अनुमति के। उसके बाद वह उन विषयों में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता आज उन मामलों में उसे राज्य सरकार की ओर से पेश होना है। यानी कि जे अगर मान लीजिए कि अभी हमने उदाहरण लिया है कि जो एमपीपीएससी का जो आरक्ष एमपीपीएससी में हमारा आरक्षण बढ़ा दिया गया था, जैसे कि जो एमपी गवर्नमेंट है उन्होंने सभी जितने भी ऑल एग्जाम्स हैं तो उनकी जो नियुक्ति है उसमें ओबीसी का आरक्षण जो बढ़ा है, वहां का जो मामला चल रहा है अभी हाई कोर्ट में, तो अब उसको राज्य सरकार की ओर से पेश होना है। परंतु वह क्या करेगा कि जैसे कि मीडिया में आके उसने वह बयान दे दे, इस प्रकार का उसको कोई अधिकार नहीं है, वो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये उसकी सीमा है, लिमिटेशन है, ये यहां पर आप समझिए। अब दोस्तों कि महाधिवक्ता जो राज्य का कोई नियमित नौकरशाह नहीं है, यहां पर आप जो है इसको निष्कर्ष रूप में आप ले सकते हैं कि जो राज्य सरकार का वो परमानेंट जो है कोई नौकरशाह नहीं है और उसे आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा बुलाया जाता है। जब समय हो पड़ता है उनको जरूरत लगती है जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, तब वह उनको महाधिवक्ता को बुला लेते हैं और अपनी कानून संबंधी सलाह मांग लेते हैं, और जब वह फ्री रहता है तो अपनी निजी वकालत जारी रख सकता है। तो आप इस प्रकार से पूरी बातें जो भी हैं उससे संबंधित जो महाधिवक्ता हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको राज्य का जो महाधिवक्ता है उसके बारे में समझ में आएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पीएससी अड्डा, यहाँ पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।